चलिए आज स्क्वायर रूट के शानदार ट्रिक के साथ पेश कर रहे हैं। कहते हैं हमारा बात समझ में आ जाएगा, तो कहते हैं क्वेश्चन बनाने में इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। स्क्वायर वर्गमूल कितनों भी भारी अंक का हो, एक सेकेंड में आप निकाल सकते हैं, केवल देख कर बता सकते हैं कितना आंसर इसका है। चलिए फिर बात सुनिए, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक यानी क्वेश्चन का इकाई अंक एक पूछता है आता है, तो आंसर का इकाई अंक 1/9 आएगा। क्या आएगा? 1/9 ही आएगा। आंसर का इकाई अंक एक होता है तो मतलब क्वेश्चन का इकाई अंक एक होता है तो आंसर का इकाई अंक 1/9 होगा। अगर आंसर का इकाई अंक 4 होता है तो आंसर का इकाई अंक 2/8 ही होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 5 होता है तो आंसर का इकाई अंक 5 ही होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 6 होता है तो आंसर का इकाई अंक 4/6 ही होगा। अगर आंसर क्वेश्चन का इकाई अंक 9 होता है तो आंसर का इकाई अंक 3/7 होगा। ठीक है, अब एग्जांपल में कैसे हम बनाए हैं यह देखिए, यानी इसका एक का स्क्वायर एक होता है तो हम एक ले लिए हैं, और 9 का स्क्वायर 81 होता है तो हम 7 का स्क्वायर 49 होता है तो हम ले लिए हैं। ठीक है, तो 1/9 लिए हैं, यानी चलिए आप देखिए प्रूफ है। तो ये जो भी यह ट्रिक किसमें काम करेगा, परफेक्ट रूट रहेगा तब, नॉन परफेक्ट के लिए बताएंगे, पहले चलते हैं। यानी मानते हैं क्वेश्चन का इकाई अंक अगर अगर 2 आता है, क्वेश्चन का इकाई 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है और 8 आता है, तो यह परफेक्ट रूट होगा ही नहीं। परफेक्ट रूट नहीं होगा। अगर इतना क्वेश्चन का इकाई इतना आता है तो परफेक्ट रूट नहीं होगा, यह बात दिमाग में रखना। चलिए क्वेश्चन एक लेते हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेते हैं 3 अंकों वाला लेते हैं, जैसे कि 529 ले रहा है, क्वेश्चन हमारा है 529, कितना है 529, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको जोड़ा लगाते हैं। चलिए बचा या लास्ट वाला 5, क्या बचा 5, तो देखेंगे 5 किसके किसके के वर्ग में, यानी 1/4 के वर्ग के बीच में, कितना कितना 1/4 के वर्ग में बीच में 5 आ रहा है, 1/4 के वर्ग में, तो यानी 1/4 के बीच में, ज्यादा संबंध 4 से लगता है, यानी यहाँ पे होगा 2, कितना होगा संबंध, यानी पीछे वाला इसका अंक 2 है, 4 का पीछे वाला अंक कितना है 2 है, तो 2 है, यहाँ पे हम 2 ले लिए। अब यहाँ पे 2 डिजिट बनता है, यानी क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है, इसका आंसर 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, आंसर आएगा यानी 23 आ सकता है और चाहे 27 आ सकता है। ठीक है, यानी 23 आ सकता है ना, फिर 27 आंसर आएगा, ये दोनों को नो कैसे कौन आएगा, तो देखेंगे कैसे 27 आ रहा है 23 आ रहा है। सबसे पहले यहाँ हमारा 2 आया था, कितना आया था 2, यानी पहला अंक 9 और 5 के बीच वाला अंक आया था 2, चलो हमारा यानी 5 किसके बीच में था 4/9 के बीच में था, किसके बीच में था 5, 4/9 के बीच में था, इसके पीछे वाला अंक 2, तो 2 लिए तो 2 का अगला अंक होता है 3, कितना होता है 1 जोड़ देंगे कितना होता है 3, 3 में 2 करेंगे तो कितना होगा 6, यानी 5 से बड़ा है तो छोटका अंक ले लेंगे, यानी इसका आंसर होगा 23, इसका आंसर कितना होगा 23, इसका आंसर होगा, यानी 529 का वर्गमूल 23 होगा। यह तो आ गया, अब साधारण तौर पर लोग निकालते हैं, क्या करते हैं 529 लिखते हैं, जुड़ा करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको बनाते हैं, फिर जुड़ा करेंगे, 2 × 2 करेंगे 4 आएगा, 4 करने के बाद इसको घटाते हैं 5 में चल गए 1, 29 इतना, फिर क्या करते हैं 2 × 2 कितना कर देते हैं 4 कर देते हैं, यहाँ पे 2 लिए थे, फिर यहाँ पे 9 आया था 3 किया 9 कर देते थे,
और यहाँ पर 9, 2 और 1 करने के थे, इसका आंसर 23 आता था साधारण में ही, मगर हमारा ये राइट आंसर आ गया, उसने करने की कोई गलत नहीं है, इतने कोई करने की कोई गलत नहीं है। चलिए तो ये तो पहला क्वेश्चन था 529 का, यानी 3 अंक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेना है फिर 3 अंक में लेना पहले, तो यानी आपको दे रहे हैं यानी 729, कितना दे रहे हैं 729। तो ये क्वेश्चन का अंक यानी 9 है, क्वेश्चन का इकाई का अंक कितना है 9, तो आंसर का इकाई 3 या 7 ही होगा। तो सबसे पहले हम जोड़ा लगाए तो 7 हुआ, 7 किसके किसके बीच में है यानी 9 और 4 के बीच में, कितना है 9 और 4 के बीच में, 9 और 4 के बीच में 7 आ रहा है, इसी बीच में 9 और 4 के बीच में, जैसे पीछे वाला अंक 2 होगा तो यहाँ पे 2 ले लिए, आंसर यानी 23 आ सकता है ना तो 27 आ सकता है, 23 आएगा ना तो 27 आएगा। तो इसका अगला अंक लिखेंगे क्या है, इसका अगला अंक यानी 2 है, क्या है 2 है, तो यानी 23 हमारा आंसर आ सकता है ना तो 27 आएगा, ये तो कन्फर्म है 23 आएगा ना तो 27 आएगा, 23 आ सकता है ना तो 27 आ सकता है, यह आप बात दिमाग में रखिए 23 रहते हैं 27। चलिए तो हमारा यानी 4 और 9 के बीच में क्या था 7 था, यानी 7 नहीं हाँ 7, तो 7 के पीछे वाला अंक 2 था, 2 का अगला अंक क्या है 3, 3 दूना कितना जाएगा 6, यानी इससे यह छोटा है, इसका होगा बड़ा अंक, इसका आंसर होगा 27, इसका आंसर होगा 27। तो 729 का वर्गमूल होता है 27, कितना होता है 27, इसका आंसर हमारा आया ऑलरेडी 27 आंसर, राइट आंसर हमारा हो गया 27 आंसर हुआ। ठीक है अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे 2-3 अंक हो गया, आप 4 अंक वाला लेते हैं, कितना वाला है 4 अंक वाला, 4 अंक वाला लेते हैं हम आपसे यहाँ पे 74 और 24 का, चलिए 74 और 24 का ले रहे हैं, ठीक है 74 और 24 का लेते हैं, नहीं हाँ 74 24 लेते देखते हैं यहाँ पे, तो इसका आप देखिए परफेक्ट फिट होना चाहिए, तो इसका आंसर हो सकता है यहाँ पे 4 है तो यानी 2 होगा न तो 8 होगा, 2 होगा न तो 8 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 74 किसके किसके बीच में है ये आपको जानना होगा, यानी 64 और 81 के बीच में, किसके बीच में 64 और 81 के बीच में, ज़्यादा संबंध किससे रखता है यानी या 8 से संबंध ज़्यादा रखता है, तो 8 गुना 9 कर देंगे, 8 9 कितना हो जाता है 72, कितना होता है 72, यानी 74 से छोटा है, छोटा है तो बड़ा लेंगे, इसका आंसर हमारा होगा यानी बड़ा अंक यानी 74 था कितना था यानी 8 है, यानी आंसर 82 हो सकता है चाहे 88 हो सकता है। ठीक है तो आपका आंसर आया था 8, 8 गुना कितना था 8, तो यानी 8 गुना आप ले सकते हैं 1 9, तो 8 9 कितना होता है 72, कितना आया था 72, ये छोटा है यानी ये छोटा आया, जो गुना किए हैं वो छोटा आता है तो बड़ा लेते हैं, इसका बड़ा अंक होगा यानी 88, तो 74 और 24 का स्क्वायर होता है 88। आप क्लेटर कर सकते हैं, क्लेटर करके देख सकते हैं ये गलत है, ठीक है ये इसका आंसर होगा 88, कितना आंसर होगा 88। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है 4 अंक लेते हैं पहले, 4 अंक लेते हैं यानी लेते हैं 18 और 49, कितना ले रहे हैं 18 और 49, तो 18 और 49 के लिए तो इसको पहले क्या करेंगे जोड़ा करेंगे, यह हमारा वो एग्जाम्पल के लिए है, इसको जोड़ा कर रहे हैं तो बचा 18, 18 किसके किस में है देखेंगे पहले, 18 किसके किस में है यह हमको देखना होगा, तो 18 यानी 16 और 25 का, किसके बीच में 16 और 25 के बीच में 18, इस यह संबंध किससे रखता है यानी 4 से रहता है, यानी जिसके साथ संबंध तो उसी के साथ रहेगा, संबंध रहता है 16 का, तो ये इसका 16 का पीछे वाला हुआ 4, यहाँ पे 4 हो गया, इसका देखिए यानी इकाई का इसका 9 है तो 3 और 7 होगा, 3 यानी 43 हो सकता है ना तो आपका 47 होगा, ये दोनों को आंसर होगा मिलाने के लिए 4 आया था, कितना आया था 4 4 गुना 5 कर देंगे 5 जो 20, इससे यह बड़ा है तो इससे छोटा अंक होगा यानी 43, इसका राइट आंसर होगा 43। कन्फर्म करते हैं, बहुत शानदार ट्रिक है, आप याद रखिएगा मेथड और बन जाएगा, कोई अच्छी नहीं है, यानी मेथड हमारा सपोर्ट आंसर आप करते रहिए और देखते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे 5 अंक वाला, कितना लेते हैं 5 अंक, 12
544 कितना रह रहा है, 12 544। तो हम क्या करते हैं, जोड़ा करते हैं, इसका जोड़ा यह लगाएंगे तो बचा हमारा कितना, 125। अब देखेंगे 125 किसके किससे संबंध रखता है, 125 यानी 121 और 144 के बीच में, 121 और 144 के बीच में है 25, तो ज़्यादा संबंध रखता है यानी 21 से, कितना संबंध ज़्यादा है, 21 से ज़्यादा संबंध है। जिसका पीछे वाला आंसर लेंगे, पीछे वाला लेंगे यानी 11, कितना लेंगे 11। तो हमारा आंसर आज हो सकता है 4 आया, इकाई का क्वेश्चन काम कितना है 4 है, इकाई का स्थान कितना है 4, यानी 2 होगा न तो 8 होगा, तो यहाँ पे यानी 2 हो सकता है न तो 118 हो सकता है, दोनों में कोई होगा 2 यानी 112 होगा न तो 118 होगा आंसर। तो इसके लिए हमारा आया था 11, कितना आया था 11, तो 11 × 12 कर देंगे, तो 11 × 12 कर देंगे, 11 × 12 होता है 132, कितना होगा 132, 11 × 12 करेंगे तो 132 आएगा, तो 132 यानी 125 से क्या 12 है छोटा है, 12 है तो 12 है तो छोटा अंक लेंगे, तो 100 कितना हो जाएगा हमारा, छोटा अंक लेंगे यानी 112 इसका आंसर होगा, इसका आंसर कितना होगा 112। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मजा आता होगा तो लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 4 24 लेते हैं, चलिए 17 4 24 को देखते हैं एग्जांपल के लिए, यस को क्या किए जोड़ा किए, 174 174 किसके किसके में है देखते हैं, यानी 169 और 225 के बीच में, ठीक है 169 और 225 के बीच में हमारा 174 छिपा है, तो इसका इस संबंध ज़्यादा रखता है 13 से, कितना रखता है 13 से, तो यहाँ पे 13 लेंगे, इसका आंसर के क्वेश्चन आप जानते हैं 4 है तो 2 और 8 ही होगा, 132 हो सकता है या 138 हो सकता है, यही दोनों में कोई हमारा आंसर होगा। तो आंसर मिलाने के लिए हमारा पहला अंक कितना आया था 12, तो 12 × 13 कर देंगे, तो अभी आया था आपका 132 आया था, तो 132 यानी से कितना छोटा है, छोटा है तो बड़ा अंक लेंगे, छोटा है तो क्या लेंगे 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 138, 100 कितना हो गया 38, इसका आंसर होगा 100 कितना होगा 38, नहीं गलत हो गया का, 135 यानी 13 × 12 नहीं कितना आया था हमारा पीछे वाला यानी 13 है, 13 × 14 करेंगे तो हो जाएगा 14 × 42 के 2 हाथ में लगा 1 और 14 × 42 दो हाथ में लगा 4 14 × 4 18 188 182 हो रहा है, इससे क्या है 12 है तो छोटा अंक लेंगे, क्या लेंगे छोटा, यहाँ पर आया था हमारा 132, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर 132, जो होता है 4 24 का राइट आंसर होता है 132, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है ले रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं मेरे दोस्त, तो लाइक करते रहें, अगला क्वेश्चन देखते रहें। अगला क्वेश्चन है 20 7 36 क्वेश्चन दिया हमारा, अगला क्वेश्चन इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट देखिए, यानी इसका जोड़ा करेंगे, क्या किए जोड़ा बचा 207, कितना बचा 207, 207 किसके किसके बीच में है देखेंगे, यानी 169 और 225 के बीच में आता है 207, तो यह ज़्यादा संबंध रखता है किससे यानी 13 से, 13 का संबंध ज़्यादा रखता है तो यहाँ पे आ गया 13, कितना आ गया 13। अब कोई इकाई क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है तो इसका आंसर होगा क्या 4 होगा ना तो 6 होगा, अब देखेंगे ना क्वेश्चन के इकाई 4 होगा ना तो 6 होगा, यह याद रखिएगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा 34 हो सकता है ना तो 36 हो सकता है, 136 नहीं 134 दिन में कोई होगा, हमारा आया था 13 × 14 अभी किए थे कितना आया था 13 × 14 किए थे यानी 182 आया था, 100 क्या आया था 82, कितना आया था 182, 14 × 42 दो हाथ लगा 4 14 4 18 182 कितना आया 182, तो यार 182 किया इससे छोटा है कि बड़ा है, इससे क्या 182 छोटा है यानी इसका बड़ा आंसर लेंगे, 136 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 136 हमारा आंसर, कितना मजा आ रहा है, चलो देखते हैं 6 अंक वाला, चलिए 6 अंक वाले स्क्वायर रूट कैसे निकाले मात्र 2 सेकंडों में, देखते हैं 10 36 84 दिया है एग्जाम्पल धूरो हमारा स्क्वायर रूट, इसको कैसे निकालेंगे सबसे पहले यानी आपको जोड़ा लगाएंगे, आप पूरा अंक ले लिए, क्या ले लिए पूरा, कितना आएगा 1000
36 कितना दिया है, 1036। तो देखेंगे 1036 किसके स्क्वायर में आता है, यह तो आपको उसके लिए कंफर्म करना होगा। 1036 तो 1036 किसके किसके स्क्वायर में है देखिए, यानी ये हो सकता है 32 का स्क्वायर में। तो 32 का पहले सबसे पहले स्क्वायर लिखेंगे, 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। 32 का स्क्वायर कितना था 1024, और 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089। ठीक है, तो यानी किसके इसके बीच में 33 और 32, यानी इसके बीच में यह 1036 छिपा हुआ है। इसके बीच इसका संबंध किससे रखता है, जरा इससे रखता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा 32, इसका क्वेश्चन का इकाई, क्वेश्चन इकाई का अंक चार है, तो आंसर का इकाई अंक चार या सॉरी दो या आठ होगा, दो या क्या होगा आठ होगा। तो सबसे पहले यानी हमारा आया था 32, ना आया था 32, तो क्या करेंगे यानी 32 गुना कर देंगे 33। क्या करेंगे, एक अगला नंबर इसको लेंगे, अगला नंबर को लेकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 32 गुना 33। क्या करेंगे 32 गुना 33, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 1056। 1056 आया, जिससे क्या है बड़ा है, तो बड़ा है तो छोटा अंक लेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा यानी छोटा अंक। 1056 आया तो यहाँ पे 324 हो सकता है, चाहे 328 हो सकता है, यही हो सकता है। तो यानी हमारा गुना करने पाया था 32 गुना 33 करने पर आया था 1056, सॉरी 1056 आया था, इससे यह क्या बड़ा है तो छोटा लेंगे, यानी इसका आंसर होगा 1324, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, 10, 75 और 84 पांच अंक का क्वेश्चन है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए देते तो इसको क्या करेंगे कर देंगे जोड़ा करिए, बाकी बचा 1075। इस किस किस के बीच में अभी बताया कुछ देर पहले, यानी 32 और 33 का, ठीक है 1075, तो यानी 32 का स्क्वायर होता है आपका जानते हैं 1024, और 33 का स्क्वायर होता है 1089। तो इसके बीच में है, इसके बीच में क्या आ रहा है 1075 हमारा आ रहा है। ज़्यादा संबंध किससे रखता है यह आपको पता होना चाहिए, संबंध किससे 1075 है, 1075 संबंध 33 से रखता है, कितने से रखता है 33 से, ठीक है 1075 यानी 1075 नहीं ज्यादा हो गया, तो कितना 32 संबंध रखा, कितना संबंध रखा 32 से, संबंध रखा है 32 से, तो आपका आंसर होगा यानी 2 हो सकता है चाहे 8 हो सकता है, लेकिन 2 होगा कि 8 होगा, तो 32 गुना हम 33 करेंगे कितना होगा, तो यानी 1056 होगा, कितना होगा 1056, इससे क्या है छोटा है, तो क्या है छोटा है, तो इसका आंसर होगा 12। क्या आ रहा है छोटा है, तो इसका आंसर होगा 12। इसका आंसर यानी 12 के मतलब होता है अपने आया था 32 यानी 132 आया था, यहाँ पे 2 और 32 32 8 यानी एक इसका आंसर हो जाएगा 328, इसका राइट आंसर होगा 328, यानी 1056 आया था, इसका राइट आंसर 1000 1300 328 आंसर, 1075 और 84 का आंसर होगा 328, 10, 75, 84 का आंसर होगा 328। सुधारण को बहुत आसान है, आप बना सकते हैं, आगे बढ़िए और हमारा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए दोस्त। सी यू, बाय बाय, सी यू।